हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रीति ठाकुर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में कलेक्टिव नाउंस। वो कलेक्टिव नाउंस जो बड़े अनकॉमन हैं और आपको ये कलेक्टिव नाउंस सुनकर बहुत हंसी भी आने वाली है, बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए हम अपनी वोकेबलरी बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन को समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हो सकती। जैसे हम कहते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। अब मर्डर तो आपको पता है क्या है, और बताइए कौओं के झुंड को हम मर्डर कह सकते हैं, राइट? पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स मतलब उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं, और आप तो जानते हैं अपनी संसद के बारे में। नाउ क्रैश ऑफ राइनोज। राइनो क्या होता है? गेंडा। उनका जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं क्रैश, ठीक है। फिर आया डेजल ऑफ ज़ेब्रास। ज़ेब्रास आप जानते हैं, ज़ेब्रा कौन होते हैं? हिंदी में जेब्रा कहते हैं आप उसे। तो वो जो है उसके ग्रुप को हम कहते हैं डेजल, राइट? देन कम्स बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, यानी म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको हम बैंड कहते हैं, आप सब जानते हैं, तो बहुत कॉमन बात है। फिर है कास्ट ऑफ एक्टर्स। आपको मालूम है ना, जब आप मूवी देखते हैं तो कास्टिंग आती है, ठीक है? तो एक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कास्ट, राइट? फिर हम पॉलिटिशियंस के ग्रुप को कहते हैं कमिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, कमिटी कहते हैं उसको, राइट? तो किताबों का जो ढेर होता है ना, उसको पाइल ऑफ बुक्स तो कहते हैं, साथ साथ हम उसको स्टैक ऑफ बुक्स भी कह सकते हैं। अब आती है जहाज़ों का, अगर बहुत बड़ा सा ग्रुप जा रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स। अब आसमान में तारों का एक झुंड है बहुत बड़ा, उस झुंड को हम कहेंगे क्लस्टर ऑफ स्टार्स, है ना? तारों के एक झुंड को कहेंगे क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अब फ्लेमिंगोज तो आप जानते होंगे, तो फ्लेमिंगोज का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं फ्लैम्बॉयंस, फ्लैम्बॉयंस। अब जो ग्रुप होता है जेलीफिश का, उसको हम कहते हैं अ स्मैक ऑफ जेलीफिश, अ स्मैक ऑफ जेलीफिश। स्मैक कहीं वो मत समझ लेना जो ड्रग्स होते हैं, इट इज़ जेलीफिश के ग्रुप को हम स्मैक कहते हैं। सो व्यूअर्स, मज़ा आया इन कलेक्टिव नाउंस को लर्न करने में? इस तरह से आपकी वोकेबलरी डेवलप हुई है। और आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हमारे साथ में जुड़ना है और बहुत मज़ेदार तरीके से इंग्लिश लर्निंग करनी है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। बाय बाय।